हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। तो बच्चों देखिए, अब ये जो चैप्टर है बच्चों आपका, एक्चुअली इसके दो पार्ट थे। मैंने बताया आपको, जैसे लेसन रीच फॉर द टॉप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो भागों में बांटा है। और बच्चों इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसका नाम रखा गया था संतोष यादव, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। एंड टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। आज इस लेसन का दूसरा पार्ट है बच्चों, हम पढ़ेंगे। एंड द नेम ऑफ द सेकंड पार्ट इज मारिया शारापोवा। ठीक है बच्चों, मारिया शारापोवा को खिलाड़ी है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कृष्णा, वो जो कृष्णा पूनिया, ये भी एक खिलाड़ी है। और संतोष यादव जो है, जिनके बारे में हमने पढ़ा, तो वो बच्चों क्या थी, वो पर्वतारोहण करती थी, है ना। तो आप जरा देखिए बच्चों, बिफोर यू रीड, उससे पहले कि आप पढ़ो लिखा, ये रशियन गर्ल, जानते हो, एक होता बच्चों रशिया, एक होता पर्सिया, तो ये देशों के नाम होते हैं। जरा देखना, ये बच्चों रूस बोलते हो ना, तो इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है क्या, रशिया। थोड़ा सा अंतर है, जैसे अरस्तु बोलते हो, अरस्तु किसी का नाम है, अंग्रेजी में आप उसको बोलते हैं एरिस्टोटल। उसी तरीके से सुकरात बोलते हैं, सुकरात किसी का नाम है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सोक्रेट्स। तो आप कहोगे सर इंग्लिश में नाम भी होते हैं क्या, कुछ कुछ ऐसा होता है। अब जैसे बच्चों दूसरा देश बोला मैंने पर्सिया, अभी जो पर्सिया है ना, इस पर्सिया को बच्चों हिंदी में बोलते हैं हम फारस, फारस या ईरान बोलते हैं इसको, फारस या ईरान बोलते हैं। बात समझ में आ गई है। तो रशिया बच्चों एक देश का नाम है, रशिया इज द नेम ऑफ ए कंट्री। यहां लिखा हुआ है कि रशियन गर्ल, जैसे आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, ऐसा बोला मैंने, मैं एक भारतीय हूं। अब मैं कह सकता हूं आई एम एन इंडियन मैन, अर्थात मैं एक भारतीय पुरुष हूं। तो बच्चों इसी तरीके से लिखा हुआ कि शी वॉज अ रशियन गर्ल, अर्थात बताओ कहां की लड़की थी वो रूस की लड़की थी। मारिया शारापोवा का नाम था, शी रीच्ड द समिट ऑफ विमेन्स टेनिस। ये बच्चों कहां पहुंची, शी रीच्ड द समिट, ध्यान दो बच्चों ये शब्द क्या है, ये SUMMIT, आप जानते हो समिट क्या होता, शिखर वार्ता। देखते हो आप हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान का कौन था, जनरल परवेज मुशर्रफ था, तो होटल ताज में इन दोनों के बीच में बैठी क्या होती थी, समिट टॉक। तो समिट टॉक का मतलब होता है बच्चों शिखर वार्ता, माने एक देश का मुखिया, जैसे भारत का मुखिया कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी था, और पाकिस्तान का मुखिया कौन था, वो था। तो दोनों जो बड़े बड़े लोग मिलते हैं, शिखर के लोग मिलते हैं, तो उनकी मध्य जो वार्ता होती है, दैट्स व्हाट वी कॉल समिट टॉक, उसको आप कहते हैं समिट टॉक। तो बच्चों समिट यानी क्या, बता दिया आपको मैंने, समिट बोलते हैं इसको, एक शब्द और जरा देखना, PINNACLE SSC वालों ने पूछा था ये, तो ये बच्चों लिखा पिनेकल। तो जो पिनेकल है इसका मानी भी चोटी होता है, ठीक है, इसको बच्चों अपेक्स भी कहते हैं आप, अपेक्स, अपेक्स भी ऊंची चोटी होती है, वही है, एक क्लाइमेक्स होता है। तो ये जो क्लाइमेक्स है बच्चों ये क्या है, ये चरम सीमा है किसी चीज की, जब चरम सीमा आ जाती है तो वह भी क्या है, एक तरह से सबमिट हो गया है। तो बच्चों सबमिट अलग है, सबमिट अलग है, आप जानते हो सबमिट, जैसे बताओ आपने अपनी फाइल सबमिट करी कि नहीं करी, तो ऐसे बच्चों आप सबमिट बोलते हैं। तो यहां पर बी साइलेंट रहता तो आप इसको भी सबमिट बोलते हैं, लेकिन आप स्प्रिंग का अंतर समझो, ये सबमिट एक वर्ब है और ये सबमिट जो है इसका मानी क्या होता है, पिनेकल होता है, चोटी होता है, अपेक्स होता है, टॉप होता है। तो देखो, शी रीच्ड द समिट, आई मीन शी रीच्ड द टॉप ऑफ विमेन्स टेनिस, अर्थात जो महिला टेनिस है बच्चों उसके क्षेत्र में वह सर्वोच्च चोटी के ऊपर पहुंच गई थी। वेन शी वॉज बियरली 18, जब उसकी उम्र केवल 18 साल की थी, बात को समझो, When she was only 18, अब बच्चों बड़ा अजीब सेंटेंस है, When she was only 18, तो बच्चा इसका मतलब समझता है जब वह सिर्फ 18 थी। अब एक लड़की 18 कैसे होगी, एक तो एक लड़की तो दो भी नहीं हो सकती है, तीन भी नहीं हो सकती, 18 कहां से होगी। तो When she was only 18 का मतलब बच्चों ये होगा कि When she was only 18 years old, जब मैं 18 साल की उम्र की थी, तो बच्चों उसने क्या किया था, She had earned a worldwide name for herself, अर्थात उसने पूरी दुनिया में अपना नाम कमा लिया था, पूरी दुनिया उनको जानने लग गई थी। तो ऐसी भी बच्चों कुछ हस्तियां होती है जो 18 साल की उम्र के अंदर ही उनको क्या है कि पूरा संसार जानने लग गया था। और कहां पहुंच गई थी वह महिला जगत का जो बच्चों टेनिस है उसके सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थी, व्हेन शी वाज ओनली 18 इयर्स ओल्ड। एज यू रीड अबाउट हर का मतलब होता है बच्चों कि जब आप उसके बारे में पढ़ोगे, एज यू रीड अबाउट हर, अर्थात जब तुम उसके बारे में पढ़ोगे, इफ यू कैन ड्रॉ ए कंपेरिजन, अगर बच्चों आप क्या कर सकते हो, इफ यू कैन ड्रॉ ए कंपेरिजन, अगर आप जो एक ड्रॉ, ड्रॉ यानी क्या होता है बच्चों, ड्रॉ यानी खींचना होता है। अब ड्रॉ का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है,
शी ड्रॉइंग वॉटर फ्रॉम द वेल, वो कुएं से पानी खींच रही है तो ड्रॉ आएगा। दे आर ड्रॉइंग वॉटर फ्रॉम वॉटर टैप, वो नलकी टोंटी से पानी ले रहे हैं तो भी ड्रॉ आएगा। एंड बच्चों मैंने आपको कहा कि ड्रॉ ए लाइन ऑन दिस पेज, इस पेज के ऊपर एक लाइन खींच दो तो भी ड्रॉ आएगा। क्लियर हो गया है? तो यह बताया गया है कि सी यानी देखो, इफ यू कैन ड्रॉ ए कंपेरिजन, इफ यू कैन मेक ए कंपेरिजन, क्या आप एक तुलना कर सकते हो बिटवीन हर एंड संतोष यादव। आप इस पाठ को पढ़ो और पढ़ करके ये देखने की कोशिश करो कि कैन यू ऑब्जर्व, क्या तुम ऑब्जर्व कर सकते हो एनी कॉमन फैक्टर और एनी कॉमन फैक्टर्स बिटवीन संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा, यानी मारिया शारापोवा तथा संतोष यादव के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? इज एनी टाइप ऑफ और एनी सॉर्ट ऑफ कंपेरिजन इज पॉसिबल बिटवीन देम, क्या उन दोनों के मध्य किसी भी प्रकार की तुलना संभव है? बच्चों दो के बीच में होता है तो बिटवीन होता है, कोई भी काम यदि दो के बीच में होगा तो बिटवीन होगा, लेकिन दो से ज्यादा के बीच में होगा बच्चों तो फिर एमोंग होगा। अगर दो के बीच में होगा तो बिटवीन होगा, दो से ज्यादा के बीच में होगा तो एमोंग होगा। बात समझ में आ गई है? ओके, आइए जरा देखना। तो मैच द फॉलोइंग, ये तो मैच करते रहेंगे, इनको मैच करके क्या करना है? एज यू रीड लुक फॉर द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। बच्चों बताया गया है कि जब आप इस पार्ट को पढ़ो तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके उत्तर आप तलाशने की कोशिश करना है। व्हाई वाज मेरिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, मेरिया को यूनाइटेड स्टेट्स में क्यों भेजा गया? ध्यान दो बच्चों, द यूनाइटेड स्टेट्स को अंडरलाइन कर लो। देशों के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग साधारणतः नहीं होता है। क्या कहा मैंने? इन जनरल वी नेवर यूज द आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, अर्थात आमतौर पर हम देशों के नाम के पहले, जैसे रशिया, तो द का प्रयोग किया गया? मैंने नहीं किया। इंडिया किया गया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों एनी नेम ऑफ द कंट्री, किसी भी देश का जो नाम होगा, दैट शैल बी एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रॉपर नाउन, अर्थात वह बच्चों एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। एंड यू वेरी वेल नो दैट, और आप लोग इस बात को बखूबी जानते हैं, दैट वी नेवर यूज द आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ एनी प्रॉपर नाउन, हम किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बच्चों क्या है बात, कुछ देश बच्चों विशेष होते हैं जिनके बारे में आपको मैं एक नोट दिखा देता हूं, उस नोट को जरा ध्यान दो। कुछ देश ऐसे हैं बच्चों जिनके नाम के आगे आ सकता कुरुफ, अगर ऐसा है आगे पीछे कहीं भी कुरुफ आ रहा है तो आपको उस देश की में क्या जोड़ना चाहिए? द जरूर जोड़ना चाहिए। अब बच्चों बात यह है कि कुरुफ माने की माने किंगडम, क्या बोला मैंने? जैसे बच्चों आप लिखते हो यूके या यूनाइटेड किंगडम, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शॉर्ट फॉर्म लिखी या फुल फॉर्म लिखी है। मैं ये कहना चाहता हूं इट डजेंट मैटर, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वेदर यू रॉट द नेम ऑफ दैट कंट्री इन इट्स शॉर्ट फॉर्म और इन इट्स फुल फॉर्म, फुल फॉर्म हो चाहे शॉर्ट फॉर्म हो, आपको यह देखना अगर उस देश के नाम में किंगडम आ रहा है तो उसके पहले द जरूर लगेगा। क्लियर हो गया बच्चों? नंबर दो है बच्चों यूनाइटेड, जैसे आपने क्या लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या आपने लिखा सिर्फ द यूनाइटेड स्टेट्स, या आपने लिखा सिर्फ यूएस, तो यूएस नहीं आएगा, द यूएस आएगा। बात समझ में आ गई है? व्हेन आई वाज इन द यूएस, जब मैं यूएस में था तो आई वाज यूज टू ड्राइविंग इन द राइट, तो मेरी दाएं हाथ की तरफ गाड़ी चलाने की आदत पड़ गई थी, ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था। ठीक है, तो अब जो आपने देखा कि यू हो गया है, हम कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग नेवी, माने यूनाइटेड स्टेट्स के पास में क्या बच्चों एक बहुत बड़ी नौसेना है। बिग नेवी का मतलब एक बहुत बड़ी नौसेना है, तो बताओ हैज का प्रयोग किया आपने, दूसरी उसके पहले आपने देखा प्रयोग किया। क्लियर हो गया? तो दो बातें, एक क्या होता है बच्चों, जैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स आपने लिखा, तो यूनाइटेड स्टेट्स एक देश का नाम है, इसके अंत में एस आ रहा है, तो आप इसको क्या मान लेते हो? प्लूरल। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं, जैसे मैथमेटिक्स, अब लास्ट में एस आ रहा तो आ रहा है, उसका मतलब गणित है, गणित तो एक वचन होता है ना, सब्जेक्ट का नाम है ना, प्रॉपर नाउन जो होता है बच्चों दैट इज ऑलवेज, दैट शैल ऑलवेज बी इन सिंगुलर फॉर्म, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, अंत में एस जुड़ जाए तो भी उसको सिंगुलर ही मानना चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब दो चार यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, इसलिए हेज का प्रयोग होगा द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ बिग नेवी। बात समझ में आ गई है? अच्छा बच्चों, तो एक बता आपको बता दिया, ये देखो रिपब्लिक, ध्यान देना बच्चों, अगर किसी भी देश के नाम में आ जाए रिपब्लिक, या किसी देश के नाम में आ जाए यूनियन, जैसे है ना यूनियन, और बच्चों आता है एक साथ फेडरेशन, क्या आता है? फेडरेशन ऑफ मैसेडोनिया, इस तरीके से, ठीक है?
किसी भी देश के नाम में बच्चों क्या आ जाए, किंगडम आ जाए, यूनाइटेड आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, यूनियन आ जाए, फेडरेशन आ जाए, तो आपको ऐसे देशों के नाम के पहले क्या करना होगा? यू विल हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम ऑफ सच कंट्रीज। क्लियर हो गया है? अब बच्चों मैं आपको पॉइंट नंबर दो समझाता हूं। पॉइंट नंबर दो इसमें क्या है, आप अच्छे समझ लेना कि देशों में क्या होता है बच्चों, जब छोटे छोटे देशों को मिला करके, ध्यान दो, जैसे बच्चों छोटे छोटे देश, ये छोटे छोटे देश, इनको मिला करके आपने क्या बनाया, एक बड़ा देश बनाया। तो छोटे छोटे प्रांतों को मिला करके जब किसी देश का निर्माण किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स। हालांकि नीदरलैंड को आजकल तो हॉलैंड है, उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, उसको हॉलैंड बोलते हैं, लेकिन द नीदरलैंड्स का प्रयोग बच्चों होता है। क्लियर हो गया है? अब इसी तरीके से बच्चों जैसे एक चीज और ध्यान दो, कब द का प्रयोग होता है, जैसे बच्चों आप जानते हो पंजाब, तो पंजाब बच्चों क्या है, ये पंजाब, इसके आगे द का प्रयोग होता है, आप जानते हो ये एकमात्र स्टेट है, दिस इज पंजाब इज द ओनली स्टेट, पंजाब बच्चों ऐसा एकमात्र स्टेट है बिफोर द नेम ऑफ विच वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द, जिसके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं करते हैं द पंजाब? प्रश्न क्या है बच्चों, कहते हैं कि पंजाब इज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, पंजाब बच्चों पांच नदियों की भूमि है, ठीक है, सेलम, जेलम, सतलज, व्यास, रावी एंड चनाब, पांच नदियों की भूमि है, इसलिए बच्चों इसको आप क्या बोलते हैं, द पंजाब बोलते हैं। एक शहर है बच्चों जहां पर आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, तो इस इंटरनेशनल कोर्ट का बच्चों क्या है हेडक्वार्टर, या इसका मुख्यालय कहां पर है, हेग में है, HAGUE, हेग। अब ये हेग बच्चों एक ऐसा शहर है कि जिसके आगे द का प्रयोग किया जाता है, वजह क्या है, वजह तो कुछ भी नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, हेग के पहले द का प्रयोग किया जाता है, वजह तो कुछ भी नहीं है। एक देश है बच्चों सूडान, ये सूडान है, इस सूडान के पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से होता है, ये बच्चों साउथ अफ्रीका के अंदर एक देश का नाम है, ठीक है, तो मोटी मोटी बातें समझ में आ गई है, इससे बाहर आपको कोई सवाल बनेगा नहीं है। पंजाब पांच नदियों की भूमि है, हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वहां, लेकिन इसका ये लॉजिक नहीं है, मैं तो याद करने का लॉजिक बता रहा हूं कि इसके पहले आपको क्या लगाना चाहिए, द लगाना चाहिए, सूडान के पहले आपको किसका प्रयोग करना चाहिए, द का प्रयोग करना चाहिए, और जिन देशों के नाम में क्या जाए, किंगडम आ जाए, यूनाइटेड आ जाए, रिपब्लिक आ जाए, यूनियन आ जाए, फेडरेशन आ जाए, ऐसे देशों में आपको क्या जोड़ना चाहिए बच्चों, उसके ऐसे देशों के नाम से पहले द आर्टिकल लगाना चाहिए, छोटे छोटे प्रांतों को, छोटे छोटे द्वीपों को मिला करके कोई बड़ा देश बनता है, जैसे द नीदरलैंड्स, जैसे द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, तो उसमें भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये स्थिति थी, इसलिए आपने क्या देखा कि द का प्रयोग हुआ है। देखो वाई वाज मारिया सेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, मारिया को यूनाइटेड स्टेट्स में क्यों भेजा गया, वाई डिडंट हर मदर गो विद हर, उसकी माँ उसके साथ क्यों नहीं गई, अरे माँ तो जाना चाहती थी, उसकी माँ तो जाना चाहती थी, हर मदर वांटेड टू अकंपनी हर, उसकी माँ तो उसके संग संग जाना चाहती थी, परंतु एक समस्या है बच्चों, ये समस्या क्या है, जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हो तो कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है, वीजा प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम आती है, ये वीजा भी होता है बच्चों, एक तो पासपोर्ट होता है और एक वीजा अलग है, ये तो वीजा प्रॉब्लम जो थी उसकी वजह से वह नहीं जा सकी, तो उसको रुकना पड़ा, उसको बच्चों शी हैड टू स्टे एट होम, उसको घर पर ही ठहरना पड़ा। और सुनो व्हाट आर हर हॉबीज गवन, उसकी आदतें क्या क्या है, मारिया शारापुआ का शारापुआ, व्हाट डज शी लाइक, वो क्या पसंद करती है, व्हाट डज शी लाइक, वो क्या पसंद करती है, व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, ऐसी कौन सी चीज है जो उसको अभी प्रेरित करती है, उसको मोटिवेट करती है, दैट शी ऑलवेज कीप्स ऑन गोइंग, की वह हमेशा क्या करती है बच्चों, चलती रहती है, रुकती नहीं है, चलती रहती है, नदी की धार की तरह वह चलती रहती है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसको मोटिवेट करती है, देयर इज समथिंग डिजर्विंग अबाउट मारिया शारापोवा, देयर इज समथिंग डिजर्विंग अबाउट मारिया शारापोवा, ठीक है बच्चों, समथिंग इट अर्ड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लिमरस अटायर। तो बच्चों यह पहली बात जो है बता दी गई है, और बात भी क्या बच्चों बड़ी शानदार बताई गई है, शुरू में बता दिया गया है बच्चों, और शुरू में क्या बताया गया है, बहुत ही शानदार बात बताई गई है। बात क्या है,
देयर इज समथिंग डिजर्विंग अबाउट मारिया शारापोवा। तो बच्चों आप कहते हो कि दाल में कुछ काला है, तो इंग्लिश क्या बनाओगे? देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम यानी दाल में कुछ काला है। अगर बच्चों मैं कहूं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप क्या कहोगे? देयर आर 7 डेज इन ए वीक। ऐसे नहीं 7 डेज इन ए वीक, ऐसी इंग्लिश बना दो कहीं आप। नहीं बच्चों, ऐसा होता है कि अंग्रेजी में क्या होता है कि जब एक चीज में कोई दूसरी चीज नीत होती है, चाहे वो टाइम हो चाहे कोई भी चीज हो, तो आप उसको क्या करते हो? देर से ऐसे वाक्य को शुरू करते हो। जैसे आप कहते हो कि देर आर 7 डेज इन ए वीक, देर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। एंड देर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, पेंदे में अर्थात दाल में कुछ काला है। उसी तरीके से देर इज ए लॉकेट इन माई पॉकेट, देर इज ए लॉकेट इन माई पॉकेट। There are many books in our library. There is a big library in our school. There are no road lights in our colony. तो बच्चों उसी तरीके से आपका सेंटेंस है कि there is something deserving. तो मैंने कहा there is something wrong. तो there is something deserving का मतलब जो कुछ तो खास है, deserving. There is something deserving. कुछ तो जो है बच्चों विशेष है about Maria Sharapova. Maria Sharapova के बारे में something at odds with समथिंग दैट डिज नॉट एग्री विथ। कोई ऐसी चीज है बच्चों उसके व्यक्तित्व में जो क्या है उससे उसकी ड्रेस से मैच नहीं करती है। समथिंग दैट डिज नॉट एग्री विद हर ग्लैमरस एटायर एंड विद हर रेडी स्माइल। देखो जब भी कोई मारिया शारापोवा से मिलता है तो वो क्या करती है बच्चों? मुस्कुराती है। शी ऑलवेज स्माइल्स, वो हमेशा मुस्कुराती है। एंड शी वियर्स ग्लैमरस एटायर, अर्थात बहुत ही भड़कीली कपड़े पहनती है, चड़क धड़क वाले कपड़े पहनती है। तो यहां बताया गया है कि उसकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसी बात है, देयर इज समथिंग, कुछ तो ऐसी बात है उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी शख्सियत में, उसके व्यक्तित्व में, उसकी हस्ती में, कुछ तो ऐसी बात है क्या? दैट डिज नॉट एग्री विद हर, दैट डिज नॉट एग्री विद हर रेडी स्माइल, जो उसकी रेडी स्माइल यानी तुरंत मुस्कुराने वाली जो आदत उससे विपरीत है। That does not agree with her glamorous attire, I mean glamorous dress. अर्थात बच्चों उसके जो भड़कीले कपड़े हैं उनसे भी वो मैच नहीं करती है, उनसे भी वो मेल नहीं खाती है, उनके भी वो विपरीत है। कुछ ऐसी चीज है, कहां पर है बच्चों? ये उसकी शख्सियत में है। जो मारिया शारापोवा नाम की लड़की है उसकी शख्सियत में कुछ तो ऐसी खास बात है। जैसे वो कहता नहीं कि इकबाल अपने शेर में क्या कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो कुछ बात है कि हमारे हिंदुस्तान की हस्ती मिटती नहीं है, बाकी यहां यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर अब तक ना वो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इन द सेम बेटी उसी प्रकार से इस लड़की के व्यक्तित्व में, इस लड़की की शख्सियत में कुछ तो खास है जो इसकी मुस्कान से, इसकी रेडी स्माइल से मैच नहीं खाती है वो बात। और कुछ तो ऐसी बात है बच्चों जो इसके कपड़ों से भी मैच नहीं खाती है, और वही बात है जिसने इस लड़की को कहां से उठाया बच्चों? इस लड़की को कहां से उठा करके कहां रख दिया? तो बच्चों मुझे खाक से उठाकर बैठा दिया फलक पर। तो इस लड़की को फर्श से अर्श के ऊपर उस बात ने पहुंचाया, वो बात जो इसके व्यक्तित्व में है। ऐसी बात बच्चों हमको भी अपने व्यक्तित्व में क्या करनी चाहिए? डेवलप करनी चाहिए। तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों आपने देखा कि देयर इज समथिंग डिजर्विंग अबाउट मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा जो है बच्चों उनकी पर्सनैलिटी में कुछ तो है जो डिजर्विंग है। समथिंग एट ओड्स विद, एट ओड्स विद का मतलब बताया क्या? दैट डज नॉट एग्री विद,
या जस्ट अपोजिट टू समथिंग दैट इज जस्ट अपोजिट टू अर रेडी स्माइल, जो उसकी तुरंत मुस्कुराने वाली आदत है, एंड ग्लैमरस अटायर, और उसके जो ग्लैमरस अटायर है, अटायर जानते हो बच्चों क्या होता है, अटायर यानी कपड़े होता है, बताया अटिक अटायर, तो अटिक अलग चीज है, अटिक यानी तो अटालिका होता है। अब जरा देखना ये शब्द बच्चों, ग्लैमरस अटायर क्या है बच्चों, ग्लैमरस अटायर। तो आपने बच्चों ये देखा कि ग्लैमरस अटायर में क्या है कि ये जो है ग्लैमर, और ये बच्चों क्या लास्ट में क्या आ गया बताओ, ओयूएस आ गया ना, तो क्या पता चल गया आपको कि ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो ये हो गया बच्चों ग्लैमरस अटायर, और ये जो अटायर है बच्चों ये नाउन है, तो जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, पोशाक परिधान। तो उस लड़की के जो परिधान थे वो कैसे थे बच्चों, बड़े ग्लैमरस यानी बहुत ही कैसे थे, भड़कीले वस्त्र पहनती है वह, भड़कीले वस्त्र का मतलब ऐसे वस्त्र जो है ना भड़कीले होते हैं, चमक दमक वाले कपड़े पहनती है, एक्सपोजर होता है उन कपड़ों से, तो ऐसे कपड़े वो पहनती हैं। लेकिन उसके बावजूद बच्चों, अब आपको क्या है कि उसका जो उसकी ड्रेस वगैरह को, उसकी मुस्कान को देख करके आप उसको जैसा कैलकुलेट करते हैं वो वैसी नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ और भी बातें हैं बच्चों, जरा देखना, एंड दैट समथिंग और बच्चों वह जो खास बात है, समथिंग एंड दैट समथिंग अर्थात वह खास बात, और उसी खास बात ने क्या किया बच्चों, उसी बात ने, मैंने कहा उसी कुछ बात ने, मैंने कहा कि कुछ बात तो है, आज मैं कहता हूं, और उसी कुछ बात ने इन हर जो उसमें थी, और उसमें और उसके अंदर मौजूद उसी कुछ बात ने क्या किया बच्चों, लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005, 22 अगस्त, ठीक है बच्चों, 22 अगस्त 2005 को बच्चों क्या हुआ, उसके व्यक्तित्व में वह जो है समथिंग अर्थात उसके व्यक्तित्व में वह जो है कुछ बात, उसी कुछ बात ने बच्चों क्या किया, 22 अगस्त 2005 को इस लड़की को क्या किया, फर्श से उठाकर, कहां से उठा करके, फर्श से उठा करके इसको कहां पहुंचा दिया, इसको बच्चों अर्श पर पहुंचा दिया, फर्श से उठा करके इसको कहां पहुंचा दिया गया, अर्श पर पहुंचा दिया गया। देखो 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर वन पोजीशन इन विमेन्स टेनिस, महिला टेनिस के क्षेत्र में, महिला टेनिस के क्षेत्र में बच्चों इसको वर्ल्ड की नंबर वन पोजीशन के ऊपर पहुंचा दिया 22 अगस्त, यानी सोमवार 22 अगस्त 2005 को किसने पहुंचा दिया बच्चों, दैट समथिंग, ध्यान दो बच्चों लेखक क्या बोलता है, दैट समथिंग, ये बच्चों शब्द को पकड़ो, दैट समथिंग का मतलब उसी कुछ बात ने सोमवार 22 अगस्त 2005 को इस लड़की को महिला टेनिस के क्षेत्र में क्या है, दुनिया की नंबर वन पोजीशन पर पहुंचा दिया। और बच्चों ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सब बच्चों कैसे हुआ, ये सब बच्चों हुआ रातों रात, ये सब क्या है बच्चों हुआ रातों रात, समझ में आ रहा है, तो रातों रात यानी रात ही रात में समास पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, रातों रात माने आती रात में, और रातों रात यानी रात ही रात में, दिनों दिन माने समझ गए ना, दिन ही दिन में, तो ठीक हो ठीक, तो कहेगा बट ये क्या बच्चों, सारी के सारी कौन से समास होते हैं, ये अविभव समास होते हैं, कौन से समास होते हैं, अविभव समास होते हैं। तो ये बच्चों ये बताया गया कि इन नो टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों, इन नो टाइम, ध्यान दो, इन नो टाइम, ध्यान देना, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, इस इन नो टाइम की जगह मैंने लिख दिया बच्चों सून, बहुत जल्दी, ये एक एडवर्ब है, और ये बच्चों एडवर्ब की जगह आ रहा, तो ये एडवर्ब फ्रेज होगा, ये एडवर्ब फ्रेज क्यों होगा, क्योंकि दिस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी फाइनाइट वर्ब फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, क्योंकि बच्चों ये एक ऐसा शब्द समूह है जिसमें क्या नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, परंतु ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, एडवर्ब फ्रेज कहा जाए, बात समझ में आ गई है। तो बच्चों ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, अर्थात ये सब का सब काम कब हुआ बच्चों, ऑलमोस्ट यानी लगभग, बिना समय गंवाए, अर्थात ये सब होने में कोई वक्त नहीं लगा, ये सब होने में कोई वक्त नहीं लगा, ये काम बच्चों रातों रात हो गया, रातों रात बच्चों जो एक रात पहले सोई थी, तो लड़की जो है साधारण थी, और दूसरी रात को जब वो उठी तो साधारण बन के उठी, कहने का मतलब विश्व के अंदर उसको कौन सी पोजीशन मिल गई, नंबर वन पोजीशन, तो अकस्मात परिवर्तन हुआ, ये कैसा परिवर्तन हुआ बच्चों, ये अकस्मात परिवर्तन होता है, जैसे वो मनोविज्ञान में कौन स्टैनली हॉल कहता है कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं
वो धीरे धीरे नहीं होते हैं बल्कि अक्षमात होते हैं। तो अक्षमात हुआ, ये सब होने में बच्चों को ज्यादा वक्त नहीं लगा। पोइज बियॉन्ड हर इयर्स, ये सब बच्चों पोइज्ड का मतलब क्या होता है ध्यान दो। एक लड़की है वो 10 साल की है, परंतु उसका व्यवहार ऐसा है जैसे वो 18 साल की है। बात समझना, एक लड़की है जिसकी उम्र 10 साल की है लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं 18 साल जैसी, और उसका व्यवहार वैसा है, उसके शरीर में या उसकी वाणी सब चीज में बच्चों क्या है, संतुलन। क्या बोला मैंने, संतुलन, या आप कह सकते हो बच्चों ये शब्द एक संयम। क्या बोला मैंने, तो कहने का मतलब बच्चों हर पॉइज्ड बिहेवियर का मतलब होता है उसका संयमित व्यवहार, उसका शांत और संतुलित व्यवहार, उसका शांत और संतुलित व्यवहार बियॉन्ड हर इयर्स अर्थात बियॉन्ड हर एज, जो उसकी उम्र से भी ज्यादा प्रतीत होता था। उसका शांत और संतुलित व्यवहार जो उसकी उम्र से ज्यादा प्रतीत होता था, साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट फॉर इयर्स। ए साइबेरिया के अंदर जन्मी किशोरी, ये किशोरी बच्चों कहां जन्मी थी, टीनेजर जानते हो, टी डबल ई एन ए जी ई आर, टीनेजर माने किशोरी। अब बच्चों ये टीनेज क्या होता है आप जानते हो कि 9, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 यहां तक प्रॉब्लम नहीं, अब प्रॉब्लम है 13। देखो बच्चों क्या आया, 13 आ गया ना, अब ये 13 चलेगा 13 14 15 16 17 18 19, उसके बाद नहीं चलेगा। तो बच्चों 13 साल से 19 साल के बीच की जो उम्र होती है, दैट्स व्हाट यू कॉल टीनेज, उसी को आप टीनेज कहते हैं, उसी को किशोर या किशोरावस्था कहते हैं। स्टेन लेवल कहता है कि किशोरावस्था किसी उम्र है, ये बच्चों प्रबल तनाव तूफान आंधी और तूफान की उम्र है। तो ऐसी बातें हैं। अब यही बताया गया है क्या कि पॉइज बियॉन्ड हर इयर्स अर्थात शी शेम्ड टू बी ओल्डर देन हर रियल एज, अर्थात उसकी जो असल उम्र है उससे वह ज्यादा उम्र की प्रतीत होती थी उसकी अदाओं से, उसकी शांत और संतुलित व्यवहार के कारण। साइबेरियन बॉर्न टीनेजर, इस किशोरी का जन्म कहां हुआ था बच्चों, साइबेरिया। कहते हैं अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होता, तो बच्चों साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनी भारत में सीधे प्रवेश कर जाती, और ऐसे में क्या होता कि हम ठंड के मारे मर जाते हैं। तो द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर यानी साइबेरिया में जन्मी हुई जो किशोरी थी, शी टुक जस्ट 4 ईयर्स, इसने लिए सिर्फ 4 साल। क्या कर दे मैं, एज ए प्रोफेशनल एक पेशेवर खिलाड़ी बनने में, टू रीच द पिनेकल। टू रीच द पिनेकल का मतलब बच्चों समझ गए, चरम उत्कर्ष पर या बच्चों चरम सीमा या सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए पेशेवर खिलाड़ी के रूप में इस लड़की ने जो है, जिसका जन्म हुआ था कहां, साइबेरिया के अंदर, तो साइबेरिया में जन्मी है जो किशोरी है, इसने कितना समय लिया, शी टुक ओनली द टाइम ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल की छोटी सी अवधि के भीतर बच्चों क्या हो गया, ये लड़की क्या बन गई, ये जो है कहने का मतलब शबनम से शोला बन गई। शबनम से शोला से मेरा तात्पर्य यह है कि ये बहुत मासूम थी और ये फर्श पर थी, और बच्चों ये ख्याति के अर्श पर पहुंच गई। अब जरा देखो, हाउ वर द रैपिड सेंट इन ए फायरसली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेन 9 ईयर्स बिफोर ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस। तो बच्चों ये दिखाया गया है कि हाउ वर का मतलब होता परंतु द रैपिड असेंट, ध्यान दो शब्द क्या है, ये शब्द है ए एस सी ई एन टी। तो सब बच्चों किससे बना, आप गणित में पढ़ते हो नहीं कि आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर एक डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो असेंट है बच्चों, जैसे स्पीक है, अब मैं आपसे कहूं कि साहब स्पीक इसका नाउन बनाओ, तो आप ही तो बनाओगे, यानी स्पीच, स्पीच यानी वाणी, और इसका मतलब होता है वदन यानी वदन कहना। ओके, तो असेंडिंग का मतलब बच्चों चढ़ाई करना होता है, तो असेंट यानी क्या हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चढ़ाई। तो जरा देखना आप क्या लिखा है, हाउएवर का मतलब होता है फिर भी द रैपिड असेंट अर्थात ये जो तीव्र चढ़ाई है इन ए फायरसली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। फायरसली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का मतलब घमासान प्रतियोगिता से भरा हुआ संसार। तो घमासान प्रतियोगिता से भरी हुई संसार में बच्चों जो ये तीव्र चढ़ाई का काम है, दैट बिगेन 9 ईयर्स, ये बच्चों दैट बिगेन 9 ईयर्स बिफोर, ये बच्चों 9 साल पहले ही शुरू हो गया था, यानी तैयारी 9 साल से चल रही थी, तैयारी तो उसकी 9 साल से चल रही थी, उसके घर वाले क्या बहुत ही शुरू से इस पर बहुत स्ट्रिक्ट ध्यान देते थे। तो बच्चों आप देखो जी, हाउ एवर इसका मतलब होता है परंतु तो भी द रैपिड सेंट इन ए फायरसली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड अर्थात इस घमासान प्रतियोगिता से भरे हुए संसार में, इस घमासान प्रतियोगिता से भरे हुए संसार में ये जो तीव्र चढ़ाई है, दैट बिगेन 9 ईयर्स बिफोर, ये 9 साल पहले शुरू हो गई थी, विद ए लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, विद ए
लेवल ऑफ सेक्रीफाइस का मतलब बच्चों आत्मोत्सर्ग के स्तर तक, स्तर से, या आप ये समझ सकते हो कि कुर्बानी के स्तर से जो है ये बातें शुरू हो गई थी। फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर, और इस दुनिया में से बहुत कम बच्चे होंगे, फ्यू यानी होता है ना कि बराबर, जैसे मैं कहता हूं फ्यू मैन कैन बिकम एज ग्रेट एज गांधी, बहुत कम लोग हैं जो उतने महान बन सकते हैं जितने गांधी जी। तो गांधी जी तो आपको पता बच्चों, गांधी जी थे हमारे, वो तो चरखा चलाते थे, चरखे से हमारे लिए क्या करते थे कि समझ गए ना, कहते कुछ लोग कहते हैं कि साहब अंग्रेज किसकी नहीं माने, हथियारों से गोलियों की नहीं माने, गांधी जी ने क्या किया, चरखा दिखा के भगा दिया इनको, भगा दिया अंग्रेजों को, चरखा दिखा के भगा दिया, गांधी जी ने अंग्रेजों को चरखा दिखा करके डरा दिया और अंग्रेज डर गए, तो डर गए। अब बात बच्चों ये है जी, इसमें बताया गया कि फ्यू चिल्ड्रन वुड बी रेडी टू एंड्योर दैट, ना के बराबर बच्चे इस दुनिया में जो बच्चों सेक्रीफाइस के उस लेवल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होंगे। ध्यान दो एंड्योर शब्द यानी क्या होता है, ये सब तो बच्चों खूब सुना होगा, व्हाट कैन नॉट बी एंड्योर्ड मस्ट, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, जिस चीज का इलाज नहीं हो सकता है उसको क्या करना चाहिए बच्चों, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका उपचार नहीं किया जा सकता है उसको क्या करना चाहिए, उसे सहन करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अरे भाई कोई बीमारी है, अब अपने को पता है इसका इलाज भी डॉक्टर के बाप के पास नहीं है, तो फिर क्या करेंगे अपन, अपन उसको आदत में डाल लेंगे, हम उसके अकस्टम्ड हो जाएंगे, हम उसके आदि हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो यहां बताया गया कि बहुत कम बच्चे हैं, इफ यू चिल्ड्रन वुड बी रेडी टू इंड्योर दैट लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, कुर्बानी के उस स्तर को सहन करने के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए इस दुनिया के अंदर न के बराबर बच्चे हैं जो तैयार होंगे। तो बच्चों आप जानते हो जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वो ईश्वर मां निकलते हैं। आप अगर सफल होना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, तो यू नो सक्सेस ऑलवेज कॉल्स फॉर सेक्रीफाइस, सफलता कुर्बानी मांगती है बच्चों, कामयाबी कुर्बानी मांगती है, सफलता बलिदान मांगती है, त्याग मांगती है। तो कम बच्चे होंगे जो ऐसी कुर्बानी दे सकेंगे, तो कमी बच्चे होंगे जो उस लेवल तक पहुंचेंगे जिस लेवल तक कौन पहुंच गई है, ये लड़की पहुंच गई है, कौन सी वाली लड़की बच्चों, क्या नाम है इनका, इनका नाम है मारिया शारापोवा, मारिया शारापोवा है बच्चों, बड़ी खास है ये, तो इसको दिमाग में रखना आप। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, ध्यान दो बच्चों, नन्नी सी मारिया ने अभी तक अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। बोलते हैं कि अभी अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था, भावार्थ यह है कि अभी वह 10 साल की भी नहीं। हम कहते हैं कि साहब फला फला विवाहिता लड़की ने अपने जीवन की अभी जो है केवल 3 ही बसंत देखे थे, फौजी काम में आ गया था। 3 बसंत देखे थे का मतलब उसकी शादी हुई अभी 3 ही साल हुए थे, 1 साल एक बार तो बसंत देखते हैं, पर रोज रोज बसंत थोड़ी आता है। तो जो ये इसका भावार्थ ये है कि शी डिड नॉट या शी हैड नॉट सेलिब्रेटेड इवन अ 10th बर्थडे, अर्थात इस लड़की ने यहां तक कि अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था, का मतलब क्या हुआ, अभी 10 साल की भी नहीं हुई थी। और बच्चों इसी वक्त क्या किया गया, इस बच्ची को ट्रेन में बैठा करके यूनाइटेड स्टेट्स में भेज दिया गया ट्रेनिंग लेने के लिए, छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, नन्ही सी मारिया ने अभी तक अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। वैन यानी जब, शी वॉज पैक्ड ऑफ, वैन शी वॉज सेंट अवे, वैन शी वॉज सेंट अवे टू ट्रेन, जब उसको ट्रेन में बैठा के भेज दिया गया इन द यूनाइटेड स्टेट्स यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। छोटी बच्ची है अभी, उसको प्यार की जरूरत है अभी, उसको अफेक्शन ममता की जरूरत है, माँ के दामन की जरूरत है, लेकिन बच्चों उसको क्या कर दिया गया, छोटी सी उम्र में उसकी माँ से जो उसको जुदा करवा कर ये कहाँ भेज दिया गया, ट्रेन में बैठा के उसको यूनाइटेड स्टेट्स में भिजवा दिया गया। कौन गया साथ, साथ गया बच्चों इस लड़की का बाप, इस लड़की के बाप का नाम है बच्चों यूरी, यूरी इसके पिता का नाम है येलेना, ये बच्चों इसकी माँ है, क्या है येलेना इसकी, ये येलेना इसकी माँ है। तो येलेना पीछे अकेली रह गई, यूरी गया किसके साथ, अपनी बेटी के साथ, येलेना भी जाना चाहती थी पर क्यों नहीं जा सकी, ड्यू टू वीजा प्रॉब्लम, ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ वीजा, वीजा प्रॉब्लम के कारण बच्चों शी वाज नॉट अलाउड टू गो देयर, उसको जाने की इजाजत नहीं मिली, दैट्स व्हाई शी हैड टू रिमेन, शी हैड टू रिमेन या शी हैड टू स्टे बैक, उसको बच्चों पीछे टहरना पड़ा। आगे जरा देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, दैट ट्रिप, ट्रिप जानते हो बच्चे को यात्रा होती है जर्नी, थोड़ी लंबी होती है, ट्रिप थोड़ी छोटी होती है। तो दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, यानी फ्लोरिडा का वह सफर, फ्लोरिडा का वह सफर विद हर फादर यूरी,
उसके पिता यूरी के साथ में फ्लोरिडा का वह सफर जो उसने किया था बच्चों, दैट लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। कहने का मतलब बच्चों, वो फ्लोरिडा फ्लोरिडा नाम की जगह अपने पिता के साथ उसने जो ट्रिप की थी ना, इस ट्रिप ने उसको सफलता तथा सफलता जानते हो सक्सेस और स्टारडम और बच्चों प्रसिद्धि। तो इसने क्या किया बच्चों, उसको सफलता तथा प्रसिद्धि का पाथ या जो मार्ग है उसके ऊपर चला दिया था। किसने चला दिया था? उस छोटी सी ट्रिप ने। वो ट्रिप कहां की थी? फ्लोरिडा की। द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी, यानी उनके पिता यूरी के साथ में फ्लोरिडा की जो वो ट्रिप थी अर्थात जो छोटी सी यात्रा थी, दैट लॉन्च्ड हर, ने उसको प्रक्षेपित कर दिया था, ने उसको चला दिया था, ने उसको दाग दिया था किसके ऊपर? ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम, यानी सफलता और प्रसिद्धि का जो मार्ग है उस मार्ग के ऊपर बच्चों उस छोटी सी ट्रिप ने उसको क्या किया, एक मिसाइल की तरह दाग दिया था। अब उसने पीछे मुड़के, अब पीछे मुड़के देखने का काम ही नहीं था, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रेंचिंग। परंतु बच्चों सफलता भी मिल गई, प्रसिद्धि भी मिल गई, सफलता और प्रसिद्धि के मार्ग के ऊपर वो चल तो पड़ी, परंतु इसके लिए उसको एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। क्या? उस 10 साल की बच्ची को, उस 10 साल की बच्ची को बच्चों क्या हुआ, 2 साल तक अपनी मां से क्या होना पड़ा, जुदा होना पड़ा। जुदा क्या होना पड़ा बच्चों? जुदा। और ये जो जुदाई थी ये कैसी थी? हार्ट रेंचिंग। ये सब जरा देखो बच्चों, हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है जो दिल को भी क्या कर दे। बताओ हार्ट रेंचिंग को अगर हिंदी में बोलू तो बोलते हृदय विदारक, मर्मांतक या हृदय विदारक, दिल को चीरने वाली जुदाई। 2 साल तक इस बच्ची को दिल को चीरने वाली हार्ट रेंटिंग सेपरेशन फ्रॉम हर मदर फ्रॉम हर मम्मा, उसकी जो मम्मी है उससे बच्चों उसको क्या करना पड़ा, 2 साल की जुदाई जो है उसको सामना करना पड़ा। तो बड़ी बात है बच्चों, छोटी सी बच्ची को आप करोगे तो ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी उसने। यानी एक तरह से देखा जाए तो उसके हिस्से में उसके उसके बट में आने वाली पूरी ममता दे दी उसने, उसके बट में आने वाला पूरा बचपन जो है बच्चों को उसने लुटा दिया। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट इट ऑल्सो कॉल्ड फॉर हार्ट रेंचिंग 2 ईयर्स सेपरेशन, यानी दिल को चीर देने वाला बच्चों 2 साल का विरह है। फ्रॉम हर मदर ये लेना, उसकी माँ ये लेना, से उसको बर्दाश्त करना पड़ा। द लेटर, देखो बच्चों द फॉर्मर और द लेटर, तो फॉर्मर तो कौन है, खुद ही है, मारिया है, और लेटर यानी बाद वाली कौन है, सेंटेंस में क्रमशः बोलते हैं, तो बाद वाली कौन, उसकी मम्मी है। तो बच्चों यहां बताया गया कि द लेटर यानी हर मदर वॉज कंपेयर्ड, हर मदर वॉज फोर्स्ड, उसकी माँ को बाध्य किया गया टू स्टे बैक, यू ठहरे इन साइबेरिया साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीजा रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज ऑफ वीजा प्रॉब्लम, वीजा नियंत्रण या वीजा की समस्या के कारण बच्चों उसको बाध्य होकर ये कार रुकना पड़ा, साइबेरिया में रुकना पड़ा। द 9 ईयर ओल्ड गर्ल, 9 साल उम्र की लड़की। अब बच्चों आप लोग यहां गलती क्या करते हो, द 9 ईयर्स कर देते हो, ईयर्स ध्यान दो बच्चों, ईयर्स नहीं ईयर होगा, 5 ईयर प्लान होता है, 5 ईयर्स प्लान नहीं होता। द 9 ईयर ओल्ड गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इंपॉर्टेंट लेसन इन लाइफ, 9 साल की उस लड़की ने बच्चों जिंदगानी में पहले ही सीख लिया था एक गजब का सबक, एक जोरदार सबक उसने अपनी जिंदगानी में सीख लिया था, दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ऑनली कम एट अ प्राइस। क्या सबक था वो? कि टेनिस में अगर अपने को एक्सीलेंस प्राप्त करना है, अगर टेनिस में हमको सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करनी, उत्कृष्टता, तो वो कब आएगी बच्चों? तो उसने बताया कि क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो बच्चों साफ साफ बताया वुड ऑनली कम एट ए प्राइस, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत पहले ही बच्चों इतनी छोटी उम्र में उसने जान लिया था, If she wanted to become a star in the field of tennis, यदि टेनिस के क्षेत्र में एक स्टारनी बनना चाहती है तो she would have to pay for that, उसको उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा, पैसे नहीं, ये बच्चों माँ को छोड़ देना ये कुर्बानी नहीं, क्या तो कीमत है, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बात को बच्चों को बहुत पहले ही जान गई थी। तो इस तरह से बच्चों आज की बात ये समाप्त हो रही है, अगली क्लास में।